नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। रीवा में हुआ पत्रकार पर जानलेवा हमला, पत्रकार ब्रजेश तिवारी पर हुआ हमला। जिले के शातिर बदमाश राहुल उर्फ रोहित त्रिपाठी एवं ऋतिक त्रिपाठी ने अपने गुरुओं के साथ किया हमला। रीवा में आए दिन आपराधिक घटनाओं में जेल के अंदर बाहर आने जाने वाले जिले के शातिर बदमाश रोहित त्रिपाठी ने मुखबिर की शंका में पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया। ज्ञात हो कि आरोपियों का पिता रामकृपाल त्रिपाठी, जो कि पिछले 20 वर्षों से कोस्टा में नशीली कफ सिरप व अवैध शराब का धंधा करता था, जिसे नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था एवं वर्तमान में जेल की हवा खा रहा है। आरोपियों को शक है कि उक्त कार्यवाही पत्रकार ब्रजेश तिवारी बल्लू की मुखबिर से हुई है। इसी के चलते आरोपीगण आए दिन ब्रजेश को गाली गलौज करते थे। रात करीब 8:40 पर आरोपीगण पहले ब्रजेश तिवारी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, इसके बाद रास्ते में रोककर पत्रकार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। ब्रजेश की जेब से 12,000 रुपये निकाल लिए। हर्ष सिंह की हत्याकांड का आरोप है राहुल उर्फ रोहित त्रिपाठी उर्फ कैंडी पर। कुछ वर्ष पूर्व सिरमौर चौराहे पर रीवा जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह के पोते हर्ष सिंह की हत्या के मामले में आरोपी से अभियुक्त था। हाल ही में जमानत पर रिहा होकर अब सरेआम पिस्तल लहराता घूम रहा है। पीड़ित पत्रकार की शिकायत पर रायपुर कर्चुरियान पुलिस द्वारा आरोपी राहुल उर्फ रोहित त्रिपाठी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले को रफा दफा करने एक महिला आई आगे। पत्रकार पर हुए हमले को लेकर रायपुर पुलिस ने आरोपी को भले ही गिरफ्तार कर लिया है, पर अभी तक पीड़ित पत्रकार की ओर से FIR दर्ज नहीं की गई है, केवल आवेदन लिया गया है। जबकि समाज के चौथे स्तंभ की सुरक्षा को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी पुलिस महकमे को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं विस्तृत विश्वस्त सूत्रों की माने तो एक महिला द्वारा मामले को निपटाने जोर आजमाइश की जा रही है। मामले को लेकर पत्रकार संगठन ने आपत्ति दर्ज करते हुए पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है एवं न्याय न मिलने पर आर पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। आइए बात करते हैं हमारे रीवा संभाग ब्यूरो से और जानते हैं पूरी घटना के बारे में। जी माननीय, रीवा जिले से राजीव तिवारी, रीवा डिवीजन से। आप सभी व्यूअर्स को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम करता हूं। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल रात के करीब 10:30 के आसपास राहुल त्रिपाठी उर्फ रोहित त्रिपाठी उर्फ कैंडी द्वारा यह प्राणघातक हमला किया गया है। पत्रकार ब्रजेश तिवारी के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया है। मान्यवर, पहले आरोपीगण पत्रकार के घर में घुसकर बोतल सीसी फोड़े हैं, घर का सारा सामान तोड़ फोड़ किए हैं। इसके बाद पत्रकार अपनी गाड़ी से आ रहा था, रास्ते में उसको रोक कर और उसके साथ मारपीट किए हैं। पत्रकार का ये भी कहना है कि उसने 12,000 रुपये कैश लेके रखे थे, उक्त पैसे भी आरोपियों ने लूट लिए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि कैंडी जो है तो ये पर्थ हर्ष सिंह के हत्याकांड में शामिल था और वर्तमान समय पर यह जमानत पे रिहा है। हर्ष हत्याकांड रीवा का बहुत बड़ा कांड हुआ था। रीवा के एक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री घनश्याम सिंह के पोते की हत्या की गई थी, जिसमें राहुल त्रिपाठी उर्फ कैंडी शामिल था और उसी तरह की वारदात की फिराक में यह तब से घूम रहा है जब से इसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसका पिता कोरेक्स व अवैध शराब का धंधा करता था, जिससे वर्तमान पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के आदेश पर थाना रायपुर कर्चुलियान ने गिरफ्तार किया था। वर्तमान समय पर इसका पिता जेल की हवा खा रहा है। वर्तमान थाना प्रभारी रायपुर कर्चुलियान द्वारा आरोपी को पकड़वा लिया गया है, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि देश के चौथे स्तंभ पर आए दिन हमले होते हैं, पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित होगा। शिवराज सिंह चौहान, माननीय गृह मंत्री, सबसे मेरा निवेदन है कि यदि पत्रकार की सुरक्षा नहीं हो सकती है तो आम पब्लिक की क्या स्थिति होगी। माननीय, आपको बताना चाहूँगा, राहुल के साथ के जो लोग थे हमलावरों में, उनकी पहचान नहीं हो पाई है और पत्रकार ब्रजेश की FIR भी दर्ज नहीं की गई है। एक सामान्य आवेदन
किया गया है, आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है, उसी आवेदन के आधार पर राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है माननीय।